प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का ललितपुर के रेलवे स्टेशन पर प्रदेश के श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी प्रमुख 108 रेलवे स्टेशनों पर भारतीय जन औषधि केंद्र का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल उद्घाटन किया। उसी क्रम में झांसी रेल मंडल के अंतर्गत ललितपुर रेलवे स्टेशन पर भी प्रदेश के श्रम सेवा योजन राज्य मंत्री ने भारतीय जन औषधि केंद्र का फीता काटकर इसका उद्घाटन किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सराहनीय कार्य को लेकर सभी ने प्रशंसा की। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक राम रतन कुशवाहा एवं उत्तर प्रदेश के श्रम सेवा आयोजन मंत्री मनोहर लाल पंत एवं जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन सहित झांसी से आए रेलवे ADRM एवं जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह सहित झांसी ललितपुर के रेलवे अधिकारी एवं रेलवे कर्मचारी इस कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद रहे। के साथ मिथिला पेंटिंग भी माननीय मानसिका को चित्रित किया गया। समंदर आज इस पावन धरती पर उमड़ आया हो, श्रद्धा नत है हर स्टेशन पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें क्या जो जेनरिक दवाएं उपलब्ध होती हैं, जो सस्ती दर बाज़ार से सस्ती जो मेडिकल स्टोर पर दवाएं मिलती हैं उनसे सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध होंगी, जिसका यात्री और जो आम शहर के जो आम नागरिक हैं उनका इसका यूज कर सकते हैं। जिन तक मतलब जो ये महंगी दवाइयाँ नहीं ले पाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है जो मोदी जी ने ये दवाइयाँ शुरू की हैं कि वो कम से कम मतलब अपने कम बजट में अच्छी से अच्छी दवाइयाँ यहाँ पे मतलब उपलब्ध हैं उनके। जैसे आजकल की महंगाई भरे ज़माने में इंसान नहीं खरीद पाता इतनी महंगी दवाइयाँ, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा जो मोदी जी ने शुरू किया है ये दवाइयों का, ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आज दिनांक 13 नवंबर 2024 को 118 रेलवे स्टेशनों का विधिवत पूर्व जो है उद्घाटन किया हुआ है और ये सस्ती दवाइयों की श्रृंखला में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा जो कि देश हित में, समाज हित में और ये सभी के लिए जो स्टेशन में बनाए गए हैं, तो यात्री हों या आसपास के लोग हों या आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोग हों, यहाँ के लोकल के निवासी हों, उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है दवाइयों की श्रृंखला में, क्योंकि दवाइयों का की जो कीमत है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा महंगी है, एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो दवाइयाँ हैं जेनरिक दवाइयाँ हैं और 100% इफिकेसी के साथ में है जो कि गुणवत्ता पूर्ण है और इन दवाइयों के सेवन से लोगों को बहुत लाभ मिलता है और देश हित में पैसा बहुत बचता है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये आम जनमानस के हिस्से में पड़ने वाला बहुत बड़ा एक लाभ है। तो इस श्रृंखला में हम माननीय मोदी जी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी परियोजना का लोकार्पण किया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।